Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, SS Bukhari Official, a mathematician. Salallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam, proud to be a Muslim. अभी पार्ट वन में हमने रिलेशन को डिस्कस किया है, साथ में फंक्शन को डिस्कस किया है। अभी हम फंक्शन के टाइप्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे, फंक्शन के कितने टाइप्स हैं और उनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया जाएगा। ये फंक्शन रिवाइज कर लेंगे। फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन एक रिलेशन था एक्स टू वाई, ठीक है। एक्स और वाई का फंक्शन था, दो कंडीशन थी, डोमेन ऑफ एफ एक्स की इक्वल है, नो एलिमेंट्स एक्सेप्टेड, रिपीट एंड डोमेन डोमेन ऑफ एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। जब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक बात कर याद रखेंगे कि फंक्शन की टाइप्स उस टाइम ही होंगी जब वो पहले फंक्शन होगा। तो जब भी आपको उससे पूछा जाए कि ये कौन सा फंक्शन है, पहले चेक कर लें क्या वो फंक्शन भी है। हाँ जी, तो मैं दोबारा से वैसे रिलेशंस बनाऊंगा, टॉपिक भी डिवाइस कर लेते हैं। हमारे पास सेट ए है, इसके एलिमेंट है 1 2, और सेट बी है, इसके एलिमेंट हमने डिस्कस किए ए और बी है। इनके ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया था इन दोनों सेट्स को, तो हमारे पास आंसर आया 1a 1b 2a एंड 2b। ये हमारे पास चार एलिमेंट्स आ गए ए क्रॉस बी के। इनको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर और इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका जो भी सबसेट होगा उसको हम बोलते हैं रिलेशन, ठीक हो गया। फार्मूला मैंने R1 लिया है, यहाँ से R1 के एलिमेंट मैंने कहा 1A सेम एज 2B या 2A हो गया, ठीक है। R2 में लिखता हूँ, R2 में मैंने रिलेशन लिया है 1A एंड 2B, ये मैंने रिलेशन लिया है। अब दो रिलेशन थे मेरे पास, एक को मैंने डिस्कस करना है, एक थर्ड रिलेशन R3 को मैं ले लेता हूँ जी। आखिरी रिलेशन है हमारे पास 1A 2B हो गया, 1A 2A हो गया, 1B और 2A कर लेते हैं हम ना। ये भी हमारे पास इनमें से ही एलिमेंट लिया है। ये तीनों रिलेशन जो है ये A क्रॉस B के सबसेट है, A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उनके सबसेट लिए हमने। फंक्शन के लिए क्या है, दो कंडीशन है कि इनकी डोमेन लें वो पहले सेट यानी A के बराबर हो। अब डोमेन ऑफ R1 लेंगे, देखिए क्या आंसर आता है हमारे पास, डोमेन ऑफ R1, इसका आंसर क्या आएगा सर हमारे पास 1 2, डोमेन का आंसर है 1 2। और इसकी रेंज भी लेंगे हम, रेंज ऑफ R1, रेंज इसकी क्या आएगी, सिर्फ रेंज में A एलिमेंट है जी सर। हम R2 को देखते हैं, R2 की डोमेन देखेंगे, डोमेन ऑफ R2, R2 की डोमेन में क्या आएगा 1 2, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट हमेशा डोमेन कहलाता है, सेकंड एलिमेंट रेंज होगा। डोमेन में एलिमेंट है 1 2 एंड रेंज में इसकी देखेंगे, रेंज ऑफ R2 हमारे पास क्या आता है, रेंज में आता है A और B जी। सेम है, हम R3 को देखेंगे, R3 की डोमेन देखेंगे, डोमेन ऑफ R3 जी, R3 की डोमेन में 1 2 है और रेंज ऑफ R3 देखेंगे, रेंज ऑफ R3 BA यानी AB तरीके से लिखते हैं तो हमारे पास आंसर AB आ जाएगा जी। पहले हम चेक ये करेंगे क्या ये तीनों रिलेशन R1 R2 R3 क्या फंक्शन भी है, पहले चेक करते हैं। फंक्शन की पहली कंडीशन क्या है कि डोमेन जो है ये A के बराबर हो। अब इसकी डोमेन A के बराबर है, इसकी डोमेन भी A के बराबर है और इसकी डोमेन भी A के बराबर है, तीनों की डोमेन A के बराबर है, पहले कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड है, नो एलिमेंट रिपीट एंड डोमेन, डोमेन में कोई रिपीट ना हो, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ। इट मीन्स दैट कि ये तीनों जो है हमारे पास ये फंक्शन बनाते हैं। अब हमने टाइप को डिस्कस करना है, अब इसकी जो रेंज है वो आती है A, रेंज ऑफ R1 हमारे पास है A के बराबर है। A जो है बी एलिमेंट, बी सेट है हमारे पास AB, इसकी रेंज सबसेट है B का, रेंज ऑफ R1 सबसेट है B का। रेंज ऑफ R2 देखते हैं हम, रेंज ऑफ R2 है AB, वो इक्वल है किसके, B के हैं। और रेंज ऑफ R3 भी क्या है, इक्वल है B के जी। जैसे ही हो गया बाय।
अब इनकी रेंज भी देखेंगे। अगर रेंज जो है सबसेट है बी का, तो इस फंक्शन का नाम देते हैं हम एन टू फंक्शन। इस फंक्शन को बोला जाता है एन टू फंक्शन। और फंक्शन एन विच रेंज ऑफ सेट इज, रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ बी, इसको हम बोलते हैं एन टू फंक्शन। और अगर रेंज जो है ये इक्वल हो बी के, इसको हम बोलते हैं आर टू फंक्शन। अगर रेंज बी के इक्वल हो तो उसको हम बोलते हैं आर टू फंक्शन। और हमेशा याद रखें, अब जैसे कि हम आर थ्री को देखते हैं, अब डोमेन का एलिमेंट है वन, तो उसके साथ जो रेंज का एलिमेंट जो उसके साथ आर्बिट्रेरी पेयर बना रहा है वो बी है। अब चेक करें क्या बी किसी और के साथ आर्बिट्रेरी पेयर बना रहा है, नहीं बी किसी और के साथ आर्बिट्रेरी पेयर नहीं बना रहा है। फिर टू के रेंज में देखेंगे उसके साथ ए है, ए किसी और के साथ आर्बिट्रेरी पेयर बना रहा है, नहीं बना रहा। अगर डोमेन के लिए जो रेंज का एलिमेंट है वो यूनिक है, यूनिक मतलब वो किसी और के साथ आर्बिट्रेरी पेयर नहीं बना रहा, तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। उसको हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन इनको बोला जाता है। दोबारा देख लेंगे टाइप, रेंज सबसेट है बी का एन टू फंक्शन, रेंज इक्वल है बी के आर टू फंक्शन। उसके बाद अगर डोमेन के हर एलिमेंट के लिए यूनिक रेंज का एलिमेंट होगा, वन के लिए बी है तो बी किसी और के लिए ना हो, टू के लिए ए है तो ए किसी और के लिए ना हो, तो ऐसा फंक्शन जो होता है उसको हम वन वन फंक्शन बोलते हैं। अब बाद में ऐसा भी हो जाता है कि एन टू फंक्शन एक फंक्शन है वो एन टू भी होगा साथ में वन वन भी होगा, या एक आर टू फंक्शन है वो आर टू भी होगा और साथ में वन वन भी होगा। अब जैसे कि हम आर टू को देखते हैं, आर टू की रिलेशन जो है हमारे पास वन के लिए एलिमेंट है ए, ए किसी और के लिए तो नहीं है ना, टू के लिए बी है, ठीक है। वन का जो रेंज का एलिमेंट है वो भी यूनिक है, टू का एलिमेंट भी यूनिक है। ये फंक्शन वन आर टू भी है साथ में वन वन भी है, तो ऐसा फंक्शन जो एट द सेम टाइम आर टू भी होगा और वन वन भी होता है, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। जी, ये हमारे फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस किया है। फंक्शन की हमने टाइप्स जो है फंक्शन याद रखें, फंक्शन के डेफिनेशन के मुताबिक फंक्शन के लिए डिपेंड करती है डोमेन। फंक्शन अगर है या नहीं है उसको चेक करना है तो सिर्फ डोमेन को डिस्कस करेंगे, या उसकी टाइप्स को डिस्कस करना है तो उसकी रेंज को डिस्कस करेंगे। अगर रेंज सबसेट है बी का तो एन टू फंक्शन है, रेंज इक्वल है बी के तो आर टू फंक्शन है। रेंज के अंदर डोमेन के लिए हर एलिमेंट यूनिक है तो उसको हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। अगर कोई फंक्शन है आर टू भी है और साथ में वन वन भी है तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करें। अगर आपको इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन है या इस टॉपिक से रिलेटेड आपने कुछ भी समझना है तो आप टॉपिक इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। आई विल कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।